चप्पलों में आया हूँ। फर्स्ट टाइम वेगस की पार्किंग में हम लोग आए हैं, मैं इससे पहले नहीं आया वेगस की पार्किंग में। पार्किंग भी बिल्कुल फ्री है, दिखाता हूँ आपको पार्किंग वेगस की। नहीं देखी होगी मोस्ट लोग, जब मैंने नहीं देखी तो तुम लोगों ने कहाँ से देखी होगी। अच्छी है भाई पार्किंग, टाइम में थोड़ा सा गंदा हो रहा था, पार्किंग अच्छी है। सो हमें मिली है पार्किंग की स्लिप। सो मैं आया हूँ किसी अपनी फैन से मिलने, चप्पलों में आया हूँ। वेगस मैटर कर चुके हैं, उससे इंतजार कर रहे हैं कि वो कितनी देर में आ रही है मिलने के लिए मुझसे। ऐसे बनकर आ गया तुम्हारा भाई मिलने के लिए उससे, देखते हैं वो कैसे दिख गया। जहाँ उनको मेरा इंतजार करना चाहिए था वहाँ मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ। 10 मिनट हो गए मेरे को यहाँ वेट करते करते, 5 मिनट और निकला उन्होंने, बस 5 मिनट। तो वो आ चुके हैं, बस 5 मिनट और वेट करने के लिए कहा है उन्होंने। फाइनली वो आ गई, ब्लैक कलर की दिख रही है, वो अंदर आ चुकी है, अब चलते हैं हम लोग उनसे मिलते हैं। सो ये 3 जने आए थे, मैम जो है ब्लैक कलर के सूट में मुझसे मिलने आई थी, इनके संग ये 2 जने थे। काफ़ी अच्छा लगा इनसे मिलके, इन्हें बोला कि मेट्रो साइंस वैसे लेट हो गए। थोड़ी सी सेल्फी वगैरह ली मैम ने मेरे साथ, फिर जब वैसे फ़ोटो सही नहीं आई तो सेल्फी मैंने ली, तब बढ़िया एकदम बढ़िया सेल्फी आई। तो ये मैम हरिद्वार से नहीं है, ये मतलब MP, इतनी दूर से आई हूँ मुझसे मिलना है। क्या देखा आपने मुझे? बस देखा आपका डांस देखा है। शुक्रिया, आपका डांस बहुत अच्छा लगता है। इस वक्त ये लोग रील सेलेक्ट कर रहे थे कि इनको मेरे संग कौन सी रील बनानी है, तो मैं उनका वेट कर रहा था। फैंस से इनके मिले हम, काफ़ी अच्छा लगा। सर की बहुत इज्जत है हमें, पता नहीं था इतनी इज्जत है सर की, पता नहीं था सर की इतनी इज्जत है। हम तो हल्के में लेते थे सर को, हम तो खुद बेइज्जती करते थे सर। सर बहुत, आज हमें पता चला कि सर लप्पू से नहीं है, ये लप्पू सा गज्जू नहीं है, ये लप्पू सा गज्जू नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये हमारे सर गजब है सीरियसली, इन्हें लोग दिल से प्यार करते हैं। सो अभी हमारा व्लॉग ख़त्म नहीं हुआ था, हमारी स्कूटी का पेट्रोल ख़त्म हो गया था, तो यहाँ से धक्का मारते मारते हम ले जा रहे थे, तब हमें एक भैया मिले जिन्होंने हमारी हेल्प करी। उनसे मिलने के बाद हमारी स्कूटी मतलब गंदगी पड़ गई, उसका पेट्रोल सारा खत्म हो गया। इस आदमी से मैंने पहले बोलता पेट्रोल डलवा ले, तो बोला नहीं डलवाएंगे आराम से डलवाएंगे। तो ये भैया है, इनने हमारी बहुत मदद करी है, जो बड़े दिल वाले भी नहीं कर पाते वो भैया ने कराया। मैं आधे रास्ते से ज़्यादा तक छोड़ दिया, सामने पेट्रोल पंप भी है। थैंक यू सो मच भैया, कम से कम संजय भैया का नाम। सो वाकई में गाइस ये भाई अपना डिलीवरी का सामान देने जा रहे थे, तो इन लोगों ने वो उसको लेट करा, हमारी हेल्प करी, तो दिल से सलाम है ऐसे भाई को। तो यहाँ होता हमारा ब्लॉग ख़त्म।